सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान जी है। ये मानते सत्कार योग जोगी हरभजन सिंह जी, आप जी दे दर्शन करके मैनू भी पुरानी याद सन 71-72 दी आ गई, जदों रामलीला ग्राउंड विच दिल्ली असीं भी उस महबूब शहनशाह दे चरणा विच बैठे हैं, आप जी दे भी दर्शन होए सन। अगर आप वही जोगी हरभजन सिंह हो जिहड़े अमरीका जां इंग्लैंड विचों आए हे, उन्हां नाल छोटे छोटे बच्चे बड़े कीर्तन करन वाले सन, वीरो अज मैं आप नूं इस करके सत्कार योग प्रणाम कर रहा हूं कि तुसीं भी उस महबूब दे उस संभल दे दर्शन कीते सन, जिस विच काल पुरख परमात्मा ते गोविंद दोनों बह के संसार दे विच उही बाणी बख्शिश कीती है जिहड़ी बाबा नानक जी कहिंदे है, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसा करी ज्ञान वे लालो। लेकिन उस वक्त गुरु ग्रंथ साहब 1430 पन्ने दा बनिया, उनो हर बाणी 24 ग्रंथ 24वां अवतार मात लोक विच प्रगट होया। वीरो जदों तुसीं सारे ही जितने महात्मा है संत है वो लंगर छकन वास्ते अलग प्रोग्राम से उत्थे चले गए, पर यह कल कल की अवतार शहनशाह दा शहनशाह ये महाराज ये नहीं गए, ये अपने भगतों नाल ही आलू दे पूड़ियां छकियां, ये हा जिहड़ा हमेशा अपने भगतों दे संग साथ रहिंदा सहाई हुंदा हा। इस करके मैं आप जी नूं याद करा रहा वीरो, उहदे सत रंग दे झंडे उहदे अगे पिछे झुलदे सन, ये जिहड़ी पट्टी मैं शीश ते रखी है नीचे काली उपर लाल इसे रंग दे सन, और उसने रामलीला ग्राउंड विच ये कहा सी जिसनू आज जगाद लभदा रहा संसार वो तुहाडे सामने प्रत्यक्ष नजरी आए आ, सारे संसार का यो एक नाम होएगा प्रार्थना की, और सारे अज संत महात्मा ऋषि मुनि सारे ये सोच के चलो कि असी सारे एक हो जाएंगे, कोई द्वी दवेद का नहीं होएगा। उस वेले महाराज जी ने वीरो ये बख्शियां कीतियां सन जेड़े के वो उन्हें कहा सी दशम पिता जी ने कि तन भाग पिया ये संभल के हरिओ हर मंदिर आए होंगे, ये मासी वाड़े विच परमात्मा ने गोविंद नाल वायदा किया सी कि मैं जरूर आवांगा, ने कलंक बन के आवांगा और संभल विच बैठांगे, और तेरा जन्म नहीं होएगा लेकिन तू मेरा शब्द सतगुरु होएगा। और उस वक्त तेरे जिहड़े 22 ग्रंथ 52 कवियां ने लिख दिते ने, उस वक्त मैं 5 लिखारियां कोलों 24 लिखा देंगा। ये वीरो वो यादां ने, वो ते 27 चेत 1976 नूं मात लोक विच शरीर छड गए सन, लेकिन उन्हां दा वो खजाना वो 24 ग्रंथ वो अज हर संगत कोल ने, हर संगत वो जिहड़ी हरी ने बनाई ही। अगर वीर मेरे प्यारे बहुत ही सत्कार योग खूबसूरत योगी हरभजन सिंह जी, अगर जानना चाहते हो तो एक छोटा जहा नेकलंक हर शब्द .com खोलो, आप जी ने 24 ग्रंथ मिल जाएंगे और उन्होंने कई स्वरूपों में दर्शन होंगे, किस किस तरह उन्होंने वर्ल्ड दे विच किहड़े किहड़े मुल्कां दे विच कोई बाकी नहीं रहा है, एशिया यूरोप अफ्रीका अमरीका जितने भी कंट्री सन हर एक बिच जाके अपना डंक बजाया, हर एक जी नूं वार्निंग दित्ती कि तुसीं जागो अकाल पुरख परमात्मा प्रगट हो चुका है, पर अज तक संसार वीरो कोई एक अद्धा जागया
इस करके उन्होंने 101 कंट्री विच स्थान बार दिता कि भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किसी ने दसिया। अज जी वर्ल्ड की हालत हो रही है, जी सारे संसार विच जी पाकिस्तान अफगानिस्तान च हो रही है, जी रशिया च हो रही है, चाइना च हो रही है, जी तुर्की और सीरिया च हो रही है, ये सारिया लिखता उसने लिखा दिखा हुई ने। परमात्मा कदे धोखा नहीं करता, वह भीरो पहला लिखांदा है फिर बरतांदा है, पर जड़ा लिखा बैठा है वह चेंज भी नहीं करता। इस करके भीरो ये पढ़ो तो बचारो, अज तक तुम संसार विच जे वाला पढ़िया होंदा तो गुरु ग्रंथ साहब दे विच बहुत जगह उन्होंने लेखा दिता सी। गुरु नानक साहब ने कहा महाबली हो उतर सी वीरो उतरिया हा। दसवें ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह ने लिखाया सी जो निज मंत्र उदा अपना मंत्र केड़ा सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय दियो निज मंत्र सो बैठ लिखाया एकांत और पोथियों चारेगा जो भी ग्रंथ बख्शिश कर दिते और भारत में आएगा। ममन साहब ने लिखा हा और भारत में केड़ी जगह कथू नंगल बेरके दे विच पंजाब दे विच जेठवाल च भाग लगाया और उसने अपना सचखंड का नमूना भगद्वार मातलोक च बना दिता ता कि अज तक भगतों का कोई कट्ठे बैठ के जगह परमात्मा की विचार करने की ओदी प्रार्थना करने की खुशियां मनाने की नहीं सन। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च सन जेडे कि एक दूए नाल बैर विरोध और लड़ाई झगड़े का कारण बने ने। इस करके परमात्मा ने बख्शिश किया, उत्थे सारे अजलास होया, गुरुआं अवतारां पैगंबरां नूं बुलाया गया कि दसो तुसी मात लोक च की करके आए हो, अज सृष्टि की हालत तो खराब है। सारिया ने बोली दिती, सारिया की बोली जीरो कि मालक तू सानू गुरु अवतार पैगंबर बनाया नाल मौके किसी हथ फड़ाए छोटे किसी पानी विच कराए गोते। आखिर सपा सलाब सब तो बहादुर श्री गुरु गोबिंद सिंह मात लोक दे विच आए, जिहड़ियां उन्हें कुरबानियां दित्तियां उन्होंने उहदे तकमे उन्होंने वीर चक्र मिल गए। गुरु तेग बहादुर अज बर्मा की पदवी पर बैठे ने, जोरावर ते फतेह सिंह अज इंद्र ते शिवजी की जगह पर बैठे ने और सचखंड का गेट कीपर भी बदली कर दिता। चौदहवीं सदी बीहवीं सदी ईसा की महामंदी खत्म हुई, पहली चेतन 1965 नूं रात नूं 12 बजे महाराज जी ने सैनसई समत लिखा दिता, सैनसई समत लगा दिता। वीरो सब कुछ चेंज हो चुका है, असीं की बड़े खुश नसीब हाँ, आप भी बड़े खुश नसीब हो। कलयुग भी देख लिया और सतयुग भी देखिया और ओ मालिक 994 चौकड़ी युग बाद मात लोक च प्रगट होया। 1965 तो पहला भी उन्होंने दर्शन होए और उदो बाद भी अज तक वीरो 76 तक दर्शन किए, उस तो बाद उन्होंने ढोले गा रहे हैं खुशियां मना रहे हैं। साडा पैर ना जमीन उत्ते लगदा जदों दा सानू रब मिलिया। तुसीं भी वीरो पढ़ो बचारो, उत कहा सी गुरु नानक साहब ने कि कित्थे आणगे पिता हमारे प्रगटे माज, पिता पुत्र रल किन्नी सांझ, कहो नानक जीव पिता पति ने पिता पुत एको रंग ली ने। वो बाप ते बेटा शब्द सतगुर ते काल पुरख माझे विच आउणगे, हिंदुस्तान च आउणगे। बड़ियां लिखतां ने जेकर वो दसीए कि जेड़े लिखे ने उत्थे महाराज जी ने, जदों आएगा अदों गुरु ग्रंथ साहब च लिखा है कि बर्मा बदली हो जाएगा, इंद्र शिवजी इंद्र बदली होगा शिवजी वाल, वीरो सारे हो चुके ने। आज मैं इन्ना लंबा चौड़ा नहीं दास दे अगे सिर्फ यही बेनती यही कर रहा, मैनू बड़ी खुशी हुई है आप जी का वो सुंदर मुखड़ा देख गया। अदू भी असं कहने हाँ कि भाई जे तुसी वही हो जोगी हरभजन सिंह जी, अदू भी तुसी बड़े सुंदर सोहने लग रहे हो, पर उहदे बराबर नहीं। वो शहनशाह का शहनशाह महाराज पूर्ण सिंह पूरन ना उसनू सुना कदे दुनिया विच कोई होया है ना होएगा, क्यों बाकी सारे खोखे बर्मा बनांदा है, पर ये जड़ा भांडा सी
ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਲਡ ਸੰਮੇਲਨ 4 ਵਾਰ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲਾੜਾ ਮਾਤਰੂਕ ਚ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਖੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਵੀਰੋ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵੀ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵੀ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਵੀ ਆਇਆ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਆਏ, 5 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਆਏ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦੱਸੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਯੁੱਗ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੋਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਜ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਲਗੀ ਪਾਈ, 84 ਕਲੀਆਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਹਿਬੂਬ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੜਫਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਰਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੰਗ ਆਤਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ 52 ਲੱਖ ਸੰਤ ਨੇ ਧਰਤੀ ਪਰ, ਵੀਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਪੈਗੰਬਰ, 10 ਗੁਰੂ, 23 ਅਵਤਾਰ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼, ਜਿਮੀ ਸਮਾਨ, ਤਾਰੇ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੈ। ਵੀਰੋ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਿਰਫ ਖੋਖੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਆਂ ਬਜਾ। ਵੀਰੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸਦਾ ਬੂਟਾ ਉਹੀ ਮਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਚਿੱਕੋ ਝਾੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬਜਾ ਦੇਈਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰੁਲਣਾ ਪਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿਰੀ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਸਖੀ, ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਮੀਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀ, ਮਿਟੇ ਅੰਧਿਆਰ ਜੀਓ, ਕਿਤੇ ਰੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕੱਖੀ, ਕੀਮਤ ਪਾਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ, ਸਾਡ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਚੀ ਤੂੜੀ ਸਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆਤਮ ਪਰਮਾਤਮ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਪਿਆਰ। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਗਏ ਵਟਸਐਪ ਪਰ ਔਰ ਯੂਟਿਊਬ ਪਰ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਗਏ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੋ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਹਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਪ ਸੱਪ ਮਾਰੀਆਂ ਹਾਂ। ਵੀਰੋ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਧਰਤੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਇਹ 5 ਜਕਾਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀਰੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਕਲਮਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਯੁਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ।